हेलो, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। पिछले काफी टाइम से चर्चा है कि दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी एक फिल्म बना रहे हैं जो माइथोलॉजिकल सागा रामायण पर बेस्ड है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर रावण और प्रभु श्री राम के रोल में नजर आएंगे, जो कि इनके करियर में अब तक का सबसे अहम और शानदार किरदार रहेगा। फिल्म को तीन हिस्से में तैयार किया गया है, जिसका बजट 750 करोड़ रुपए रखा गया है और अब रणबीर और ऋतिक की फीस को लेकर मार्केट में बज बना हुआ है। जी हाँ, रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन को मिल रहा है ये बड़ा प्राइस। हाल ही में बॉलीवुड से एक बड़ी न्यूज सामने आई थी कि बॉलीवुड डायरेक्टर नितेश तिवारी अब बहुत जल्द ही बनाने जा रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी रामायण के ऊपर एक मूवी, जो कि तीन पार्ट में बनने वाली फिल्म होगी। इस मूवी को प्रोड्यूस करने जा रही है मधुमन तेना। ये एक बहुत ही बड़े मैसिव बजट की मूवी होने जा रही है। वहीं कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी बात सामने आई कि इस मूवी में रावण के रोल में हमें नजर आने वाले हैं एक्टर ऋतिक रोशन और साथ ही साथ इस मूवी में राम का रोल निभाते हुए नजर आएंगे रणबीर कपूर। ये पहली बार होने जा रहा है कि जब ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर एक साथ हमें मूवी में काम करते हुए दिखेंगे। नितेश तिवारी और उनकी टीम सीता के रोल के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा था कि इस मूवी में सीता के रोल के लिए मेकर्स ने दीपिका पादुकोण को फाइनलाइज किया है। वहीं करीना कपूर खान को भी इस रोल को ऑफर किया गया था, लेकिन करीना इस रोल के लिए नहीं बनी है। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि करीना रणबीर कपूर की कजन है। ऐसे में करीना कैसे अपने भाई के अपोजिट लेडी लव का किरदार निभा सकती हैं? इस मूवी का बजट जो है वो 750 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि फिल्म के तीनों पार्ट्स को मिला के होगा। वहीं रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन को इस मूवी के लिए इक्वल प्राइस भी दी जा रही है, जो कि 75 करोड़ रुपए। जी हाँ, दोनों ही इस मूवी के लिए 75 करोड़ रुपए ईच ले रहे हैं, जो कि उनकी करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस होगी। कहा यह भी जा रहा है कि मेकर्स साल 2022 के एंड में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे और वहीं दोनों मेकर्स इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा मैसिव सेट बना रहे हैं। आपको बता दें कि रामायण फिल्म के बारे में मधुमन तेना ने बताया कि हम इस फिल्म को अलग प्रकार से बनाएंगे। हम पुरानी रामायण को भव्यता से बताएंगे। हम इस गाथा को नए अंदाज में और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताएंगे। रामायण बनाना ये हम सभी के जीवन में एक बार आने वाला अवसर है। मधुमन तेना आगे कहते हैं, शुरुआत में हमने फिल्म का बजट तय नहीं किया था, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस कहानी को हम कैसे कहें। हमें लगता है कि हम 300 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये इस कहानी के लिए पूरा नहीं होगा, लेकिन कई लोग इस फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं। हमें लगता है कि हम ये फिल्म बना पाएंगे। इससे पहले भी कई बार फिल्म मेकर्स ने रामायण को अपने अलग अलग अंदाज में बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी रामानंद सागर जैसी रामायण नहीं बना सका। रामानंद सागर की रामायण डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई थी, जो कि आज भी दर्शकों के दिलों में राज करती है। इस शो को इतना पसंद किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान इसे पूरा टीवी पर दोबारा टेलीकास्ट किया गया। अब इसे रिक्रिएट करने का काम दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने संभाला है। तो आपको ये स्टारकास्ट कैसी लगी और आप रामायण में किसको देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।